नहीं दिए। देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया है आपको, एक सेल है यहाँ पे लगा हुआ पॉइंट ए बी के बीच में, देयर इज अ 3 ओम रेजिस्टेंस हियर, 1 ओम हियर, 2 ओम हियर, दिस इज अ सेल ऑफ 5 वोल्ट। नाउ 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट दिया है 1 एम्पियर और पूछ लिया है डेल्टा वी ए बी, पॉइंट ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। करिए ट्राई, जो भी दिया है बस इतना ही दिया है, अब जो आपको सोचना है करिए, अपन पूरा सॉल्व कर लीजिए आप, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है करने के लिए वो सब बोर्ड पे लिखिए। करिए ट्राई, ओके मेरे पास आंसर भी आ गया, मन का आंसर आया है, चलो मन चेक करते, चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था अभी बीच में किसी ने कि करंट की डायरेक्शन नहीं दी मैंने यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। करंट की डायरेक्शन देखिए सही में मैंने दी नहीं है, एंड करंट की डायरेक्शन पता होना चाहिए आपको, करंट की वैल्यू, करंट इधर की तरफ जा रहा है या इधर की तरफ जा रहा है पता होना चाहिए। पता नहीं है अगर, तो इसमें दो दो आंसर पॉसिबल है, हमारे यहाँ दो आंसर पॉसिबल है क्योंकि हमें करंट की डायरेक्शन पता नहीं है। तो जब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अब मेरा यही सॉल्यूशन का डायग्राम है, तो करंट की डायरेक्शन वेरिएबल हो सकती है, तो मैं करंट मान सकता हूँ या तो इधर जा रहा है या उधर जा रहा है, दो वेरिएबल हो सकते हैं मेरे पास। तो मैं काम करता हूँ, करंट को यहाँ लिख देता हूँ प्लस माइनस वन। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि करंट जा रहा था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन मान ली मैंने, वो बोल दिया करंट प्लस माइनस वन। जब मैं माइनस वन करंट बोलूंगा तो ऑटोमेटिक वो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव करंट बोलना मतलब कि अपन ने जो डायरेक्शन मानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि करंट यहाँ प्लस माइनस वन है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस वन का करंट आया, इसका अपन फ्लो देख लेते हैं। अब वो करंट ऐसे गया, यहाँ पहुंचा, अब यहाँ से उसको दो रस्ते दिखे, दो पार्ट दिखे, तो दो में डिवाइड हो गया। मान लेते हैं कि ये बाहरी जो सर्किट है इसमें आई करंट गया था, तो यहाँ पे आ रहा था प्लस माइनस वन, उसमें से आई इधर चला गया, तो यहाँ बचेगा प्लस माइनस वन माइनस आई, इतना करंट नीचे आ गया, और यहाँ से करंट आई आ रहा है, तो इन दोनों का एडिशन फिर से प्लस माइनस वन हो जाए। तो इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस फॉर्म इक्वेशन। अब मुझे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं है ना, डेल्टा वी ए बी, तो डेल्टा वी ए बी को वेरिएबल लेके चलेंगे। इस पॉइंट से इस लूप की इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ से इधर गए, रेजिस्टेंस में गए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा, जो भी करंट है इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। सेल की टर्मिनल को क्रॉस करा, बी से ए गए, बी से ए गए, तो बी से ए गया ना मतलब वी ए बी, बी टू ए मतलब वी ए माइनस वी बी, उसको वी ए बी बोल दिया। यहाँ से यहाँ गए, इधर की डायरेक्शन में गए, नीचे करंट की डायरेक्शन में जा रहे, तो पोटेंशियल फिर ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस इज ऑफ वन ओम और करंट इज ऑफ प्लस माइनस वन माइनस आई। ये पहले लूप की इक्वेशन हो गई। दूसरे लूप में चलते, चलो यहां से ऐसे घूम जाता हूं, दूसरे लूप में ऐसे घूम जाता हूं, पहले रेजिस्टेंस में ऊपर की तरफ जा रहे, करंट के अपोजिट जा रहे, पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, आई इंटू आर, आर इज ऑफ वन ओम। यहां से यहां गए, बैटरी को क्रॉस करा, माइनस फाइव, क्योंकि अपन आर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे। फिर मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूं, देखिए सॉरी करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, देखिए यहां पे रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन, ये देखिए
आई मैंने दिखाया था ऐसा नीचे की तरफ है वो, तो करंट की डायरेक्शन जा रहा हो तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा, आई इंटू आर, आर इज टू, स्टार्टिंग पॉइंट पर इक्वल टू जीरो। तो एक क्वेश्चन बन रही है मेरे वेरिएबल्स, मेरे पास डेल्टा वी ए बी मेन इसे निकालना है, तो मुझे आई को इलिमिनेट करना है, सेकंड इक्वेशन से स्मॉल आई की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में डाल देते हैं। सेकंड इक्वेशन देखते क्या क्या दिया है, यहाँ प्लस माइनस वन माइनस आई इंटू वन, तो क्या आएगा प्लस माइनस वन माइनस आई, बाहर प्लस साइन है एज इट इज रहेगा, माइनस आई वहां ले जाएंगे, माइनस आई इंटू टू मतलब टू आई, माइनस आई को वहां ले गए वो प्लस फाइव हो गया, प्लस माइनस वन को भी वहां ले जाते हैं तो माइनस प्लस वन हो जाएगा, माइनस आई माइनस टू आई माइनस थ्री आई इक्वल टू फाइव माइनस प्लस वन, माइनस थ्री से डिवाइड कर दो तो आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई मेरे पास फाइव माइनस प्लस वन होल थिंग डिवाइड बाय माइनस थ्री, ये मेरे पास आई की वैल्यू आ गई। अभी आई की वैल्यू उठा के रख देते हैं अपन, आई की वैल्यू उठा के रख देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, इसमें मिस्टेक होने के चांस हो रहे तो थोड़ा सा अपन केयरफुल रहते हैं, यहाँ प्लस माइनस वन था ना इसको उठा के वहां ले गया तो एक काम करते फाइव माइनस प्लस माइनस वन ऐसा लिख के चलते अपन, ठीक है, फाइव माइनस प्लस माइनस वन इस तरह से लिख के चलते अपन, नहीं तो बाद में हो सकता है अपन प्लस माइनस साइन में मिस्टेक कर ले। अभी आई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो इन फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या लिखा था, देखिए यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस थ्री और उसके साथ प्लस माइनस वन लिखा है, माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री आ जाएगा, प्लस डेल्टा वी ए बी माइनस वन तो बाहर माइनस मल्टीप्लाई हो गया इंटू प्लस माइनस वन, फिर माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस आई हो गया, और आई की वैल्यू अभी जिसमें निकाली थी फाइव माइनस प्लस माइनस वन बाय माइनस थ्री, फाइव माइनस प्लस माइनस वन बाय माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन वन बन गई मेरी। अब इक्वेशन वन में देखिए केवल डेल्टा वी ए बी एक वेरिएबल है, उसके अलावा सब कॉन्स्टेंट है, सब सारी वैल्यू फिक्स है। अब डेल्टा वी ए बी की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉजिटिव साइन लेने पर अलग रिजल्ट आएगा, नेगेटिव साइन पर अलग रिजल्ट आएगा, तो एक एक करके एक साइन ले लेते हैं, लेट पॉजिटिव साइन, हमने जो करंट में प्लस माइनस डायरेक्शन ली थी ना तो उसमें हम प्लस डायरेक्शन ले रहे हो, इसलिए मैंने क्या करा देखो हर जगह प्लस माइनस को रिटेन करा था, तो अब सिर्फ प्लस साइन लिख देता हूँ, प्लस लिखने से क्या आएगा यहाँ आ जाएगा माइनस थ्री प्लस डेल्टा वी ए बी माइनस ऑफ वन प्लस ऊपर फाइव माइनस प्लस लिया तो वन अपॉन माइनस थ्री, सॉल्व कर देते इसे, माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर उधर ले आते प्लस फोर हो गया, ये प्लस का टर्म उधर के माइनस हो जाएगा, नीचे एक माइनस है वो भी कैंसिल हो गया, फाइव माइनस वन फोर फोर फाइव थ्री एलसीएम ले लो, थ्री यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 12 प्लस 4 16 बाय 3, यह आंसर आ गया केस फर्स्ट का, जब करंट को मैंने पॉजिटिव लिया मतलब करंट इधर की तरफ 1 एम्पीयर जा रहा है उस केस में डेल्टा वी ए बी 16 बाय 3 होगा। और सेकंड केस का आंसर ले लेते केस 2, करंट इज नेगेटिव, करंट नेगेटिव है मतलब जो डायरेक्शन मैंने मानी उससे उल्टा है, तो यहाँ माइनस साइन लिया तो बाहर का माइनस मिल गया प्लस 3 हो गया प्लस डेल्टा वी ए बी, यहाँ माइनस साइन लिया बाहर का माइनस मिलके फिर प्लस साइन हो गया प्लस ऊपर माइनस साइन लिया तो ये प्लस हो जाएगा 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, नीचे माइनस 3 लिखा इक्वल टू 0, सॉल्व कर देते तो डेल्टा वी ए बी प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 बन जाएगा माइनस 4 हुआ, यहाँ प्लस नीचे माइनस साइन था 6 बाय 3 2 था, यहाँ माइनस 2 था उधर आके प्लस 2 हो जाएगा, तो इस केस में डेल्टा वी ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 2, माइनस टू का मतलब ये हो रहा है कि डेल्टा वी ए बी नेगेटिव है, मतलब कि ऊपर बैटरी का लोअर पोटेंशियल का टर्मिनल है नीचे हायर पोटेंशियल का टर्मिनल है, तो ये आ गया सेकंड केस का आंसर। केस वन में बैटरी का पोटेंशियल 16 बाय 3 है और वी ए हायर है वी बी से, केस टू में वी ए बी 2 वोल्ट का है लेकिन अब बी हायर है ए से, तो ये हमारे पास बैटरी के पोटेंशियल की दो पॉसिबिलिटी आ गई। क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन नहीं थी तो करंट की दो पॉसिबिलिटी थी, उससे मेरे पास वोल्टेज की दो पॉसिबिलिटी आ गई। क्या आपको समझ में आया, एक तो ये आंसर आया मेरे पास और ये आंसर आया, देयर आर टू पॉसिबिलिटी। फर्स्ट केस का आंसर कब आया, जब करंट ऐसा है जब इधर की तरफ प्लस वन एम्पेयर है तो यहाँ सेल का पोटेंशियल 16 बाय 3 आया, और जब इधर करंट था 1 एम्पेयर का तो सेल का पोटेंशियल माइनस 2 आया, देख लीजिए अच्छे से। किसी को कुछ भी डाउट,
मैंने यहाँ पे जो प्लस माइनस ही लेके चलाओ ना, आप जरूरी नहीं कि ऐसा करो, आप एक एक करके डायग्राम बना सकते थे, एक डायग्राम बनाते करंट इधर मान के, दूसरा डायग्राम बनाते करंट उधर मान के, तो आप दो डायग्राम बना के दो बार सॉल्व करके भी कर सकते थे, सेम आंसर आएगा। मैंने एक बार क्यों करा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बोर्ड पे स्पेस बचाना था, तो मैंने सोचा कि इक्वेशंस एक ही बना लेता हूँ फिर चल जाते। चलिए सभी बच्चे देख लीजिए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके चलिए वेरी गुड। तो किस किस बच्चे ने सोच लिया था यहाँ पे दो आंसर आएंगे, किस किस ने सोच लिया था? अमन आपने सोचा था, आपने तो मुझे एक ही आंसर दिया था सर। तब हम राइट साइड जा रहे हैं तो आंसर मैच नहीं कर रहा है आपके आंसर से, 4 वोल्ट आ रहा है। राइट साइड जा रहे हैं मतलब? मतलब सर तब 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट अगर हम राइट साइड लें। हाँ 3 ओम में करंट अगर राइट साइड ले, ऐसा आ रहा है सर, बच्चे बोल रहे आ रहा है। अमन का आंसर यही आया था एक्चुअली, अमन ने 2 ही वोल्ट आंसर दिया था मुझे। यस सर। हाँ देवेश बोल रहा है उसने सोच लिया था, वेरी गुड देवेश। चलिए तो ये क्वेश्चन अपन ने देखा, इसमें 2 पॉसिबिलिटी थी, तो एक्चुअली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे सकते हैं ऐसा, वो वहां पे करंट की डायरेक्शन ही देगी कि तो फिर आपके पास 2-2 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, और हो सकता है कि ऑप्शन जो 4 दे उनमें से 2-2 सही हो, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तो अपन ने ये भी एक क्वेश्चन देखा, किरचॉफ लॉ पे बेस दिए, इसमें मैंने करंट देके पोटेंशियल पूछ लिया, नॉर्मली पोटेंशियल पता रहते हैं, करंट निकालना रहता है, यहाँ उल्टा कर लिया, तो आपने ये भी देख लिया कैसे करना है। ठीक है चलो, अब हम मैंने आपको बताया था कि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसे किरचॉफ लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार डेल्टा से सॉल्व करना बताया था, और तो साथ में ये भी बोला था उसकी एक और मेथड देखेंगे अपन, तो एक और मेथड देखते हम किरचॉफ लॉ का यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो कैसे करना होते वो देखते हैं, है ना। एग्जांपल लेते हैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो होगा ना उसमें आसानी से किरचॉफ लॉ का यूज करके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। जैसे अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया होता है, वो देखते हैं अपन। मान लीजिए ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नेटवर्क है, 4 रेजिस्टेंस एक तरह से ऐसा स्क्वायर रोम्बस जो भी बोलना चाहो बना रहे थे, और बीच में एक रेजिस्टेंस है जुड़ा हुआ था, और फिर यहां पर मेरे पास एक सेल जुड़ा हुआ यहाँ पे मुझे इन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लिया क्वेश्चन में, मुझे पूछ लिया ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दो, और व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने अनबैलेंस दे दिया, यहाँ 1 ओम, यहाँ 2 ओम, यहाँ 3 ओम, यहाँ 1 ओम, और यहाँ भी 1 ओम। तो आप अब देख सकते हैं कि ये मैंने अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है, यहाँ रेशियो इक्वल नहीं दिख रहा होगा साहब, है ना, और मैंने पूछ लिया ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो मैंने क्या करा, क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन कैसे करना चाहिए अपन को, क्या बताया था आपको पहले इसके बारे में? स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा, वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन को स्टार डेल्टा से कर सकते थे अपन, पर अब नया तरीका देखते हैं, किरचॉफ लॉ के कॉन्सेप्ट को यूज करके भी अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना, नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उनके बीच में ना कोई सेल लगा लो, इनके बीच में कोई सेल लगा लो, तो मान लो कि यहाँ पर कोई सेल लगा हुआ था, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, कितने ईएमएफ का सेल, तो वेरिएबल आपकी जो इच्छा वैसा मान लो, तो मान लेते हैं मैंने मान लिया ई ईएमएफ का सेल है, मैंने मान लिया ई ईएमएफ का सेल है। अब अगर ये सेल कुछ करंट भेज रहा है, सपोज आई करंट भेज रहा है, कैपिटल आई ले लेते इसे, सपोज ये आई करंट भेज रहा है, तो ई पोटेंशियल डिफरेंस से आई करंट जा रहा है, ई पोटेंशियल डिफरेंस से आई करंट जा रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ई बाय आई होना चाहिए ना। अगर ई ईएमएफ आई करंट भेज रहा है तो यहाँ जो रेजिस्टेंस दिखेगा, उस रेजिस्टेंस में करंट आई है, उसका ईएमएफ ई है, उसका पोटेंशियल ड्रॉप ई है, तो रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट आना चाहिए वो ई बाय आर होना चाहिए ना, ई बाय आई होना चाहिए ना। यस सर। है ना, यस सर।
सभी बच्चे सोच लो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? भाई यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो करंट ले रहा है आई विद पोटेंशियल ड्रॉप ई, तो ओम्स लॉ से ई शुड बी इक्वल टू आई आर, तो आर को लिख सकता हूँ ई बाई, अगर मैं ई और आई का रेशियो निकाल लूंगा तो मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा, अगर मैं ई और आई का रेशियो निकाल लूंगा तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं मिल जाएगा। अब मुझे ये रेशियो निकालना है, अपन ने सोच लिया रेशियो कैसे निकाले, तो इसके लिए मैं इक्वेशंस बना सकता हूँ ई और आई के बीच में। कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। यहाँ से जो आई करंट आया वो करंट जब जाएगा आगे फ्लो करेगा पॉइंट ए तक पहुंचा, फिर उसे दो रास्ते दिखे, मान लेते कि ऊपर करंट गया था स्मॉल आई और नीचे गया था आई माइनस आई, ऐसा मान लिया मैंने। फिर से करंट को दो पाथ दिखे, मान लेते कि इधर ऊपर की तरफ गया करंट कुछ, मान लो क्या माने बोलो, आई वन बोल दू है ना, और बचा हुआ यहाँ चले गया आई माइनस आई माइनस आई वन, बचा हुआ इधर चले गया, यहाँ से स्मॉल आई वन आया ऊपर से, यहाँ से आई आ रहा है, दोनों का एडिशन आके यहाँ पे आई प्लस आई वन आ गए, वो आई प्लस आई वन करंट ऐसे आया और यहाँ से यह करंट आया, दोनों का एडिशन होके फिर यहाँ पे आई हो गए। तो देखिए कैसे मैंने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, आप देख पा रहे हैं सर्किट में दिख रहा है अच्छे से? यस सर। अच्छा कितने वेरिएबल बन गए यहाँ पे बताओ, करंट के कितने वेरिएबल बन गए? थ्री वेरिएबल, तीन वेरिएबल बन गए है ना सर, दो तीन है ना, कैपिटल आई स्मॉल आई और आई वन, तीन वेरिएबल है ठीक है, तीन इक्वेशन चाहिए मुझे, तीन इक्वेशन चाहिए क्योंकि तीन वेरिएबल है, तो कौन से तीन इक्वेशन बना सकता हूँ बताओ, मैं कैसे बनाऊ तीन इक्वेशन? सर किरचॉफ लॉ लगा देंगे सर, तीन लूप, तीन लूप में लगा लेते हैं ना, कोई भी तीन लूप ढूंढ के उनमें किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं। तो देखो मैं पॉइंट्स इनको ए बी तो नाम दिया था, इनको कुछ और दे देते हैं, इसको दे देते एम और इसको दे देते एन, ताकि मैं अच्छे से बोल पाऊ किस लूप में लगा रहा हूँ इक्वेशन। तो चलो पहले लगा देते ए एम एन में, ए एम एन इस लूप में लगा देते लूप ए एम एन। अब आप इक्वेशन लिखो, मुझे बताओ क्या लिखूं मैं है ना, आप बोलो यहां से चालू करके चलो ए से एम, एम से एन, एन से, तो बताओ क्या लिखूं, आई एम वेटिंग, जल्दी बताइए। माइनस आई और प्लस आई वन, प्लस आई वन प्लस टू इंटू आई माइनस आई वन, वेरी गुड, कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई इक्वल टू जीरो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही क्वेश्चन बोली आपने, बाकी सब बच्चे देख लीजिए सही है कि नहीं, चेक कर लो सर, आई वन आएगा, आई आएगा सर, आई वन की जगह आई आएगा, यहाँ पर बीच में आई वन करंट था, यहाँ पे स्मॉल आई था, पहले इस रेजिस्टेंस में स्मॉल आई था, बीच वाले रेजिस्टेंस में आई वन था, और फिर यहाँ पे कैपिटल आई माइनस आई, अच्छा ये आई आएगा स्मॉल आई आएगा, ठीक है बिल्कुल सही, थैंक यू। तो ये हमारे पास आ गए इक्वेशन, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते अपन, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते, तो 2i 2 टाइम्स कैपिटल i फिर माइनस 2 स्मॉल i और माइनस स्मॉल i, तो माइनस 3 स्मॉल i और प्लस ये i1, एक ही जगह पे i1 दिख रहा है मुझे, इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, इसे थोड़ा सा अरेंज करके है ना, ऐसे लिख के रखते हैं अपन, बाद में लेके इसको यूज कर लेंगे। चलो और भी इक्वेशन बना के बताओ ऐसे मुझे, कौन सा लूप ले लू अगला, एम बी एन ले लू? यस सर, यस सर, यस सर, लूप एम बी एन। अब कौन बोलेगा इसकी इक्वेशन, कोई अलग बच्चा बोलेगा, जिसने पहले बोली थी वो नहीं, कोई और बोलेगा सर, मैं बताऊं? हाँ बताओ, चलो आप बता दो, माइनस थ्री आई प्लस आई वन, हाँ सर वो साइड में दिखने का, माइनस नहीं सर प्लस वन I minus I one, then sir minus I one, minus I one, very good, equal zero, ठीक है equal to zero, ये equation बन गई एक और, इसे भी arrange कर लेते हैं जल्दी से अपन, चलो तो इसमें capital I ढूंढो कहाँ कहाँ पर है, एक ही जगह पर है, ये रहा capital I, वो भी plus में है, plus sign है, फिर small I ढूंढो, यहाँ minus three small I है, यहाँ minus I है, और नहीं है यहाँ पे, तो minus four small I, I1 ढूंढ दो, यहाँ माइनस थ्री आई वन है, यहाँ माइनस आई वन है, और यहाँ एक और माइनस आई वन है, तो कितना आई वन आ जाएगा, माइनस फोर आई वन आ जाएगा,
माइनस फाइव आएगा ना, तो दोनों माइनस अच्छे नहीं लग रहे, मैं वो दूसरी तरफ ले आके लिख देता हूँ, दूसरी तरफ ले आके लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी इनको दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये 3i को दूसरी तरफ ले गए तो ये स्मॉल i1 को भी उधर ले गए तो माइनस में हो गया, चलेगा ऐसा लिखना? यस सर। अब ये स्मॉल i कैपिटल, स्मॉल i और i1 में कैपिटल i है और ये स्मॉल i और i1 में कैपिटल i है, तो देखो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके मैं स्मॉल i और i1 की वैल्यू निकाल सकता हूं ना इन टर्म्स ऑफ कैपिटल i, मेरा एक ही वेरिएबल बच जाएगा ना फिर कैपिटल i। यस सर। इसको सॉल्व करके जल्दी से मुझे स्मॉल i और i1 इनकी वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल i, करो। स्मॉल i और i1 इनकी वैल्यू निकाल दीजिए कैपिटल i के टर्म्स में। तो दीजिए आंसर, सीजन आंसर दीजिएगा। थोड़ा पास करो, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ माइनस 5 i1 हो जाएगा और वहाँ प्लस 5 i1 है, जोड़ दो। सर i की वैल्यू 11 i/19। यस सर। i की वैल्यू 11 i/19, मैं भी देख लेता हूँ, ऐसा 5 मल्टीप्लाई करो तो 15 प्लस 1 14 और ये 10 और ये 1 11, तो 11 आया। हाँ सही बोल रहे हो, 11 i/19 आई की स्मॉल i की वैल्यू, बिल्कुल सही। यस सर। और I1 minus 5i/19। I1 की वैल्यू आप बता रहे हैं माइनस 5i/19। बाकी सब बच्चे भी देख लो, मेरा तो ये चेक करा हुआ है, ये मैंने चेक नहीं करा, ये चेक कर लो आप। यस सर। सही है, 11 मतलब 44/19, इधर आके माइनस 44/19, 19 माइनस 44/19, 19 माइनस 44 कितना हो जाएगा 19-44 और डिवाइड बाय 5 भी करना है तो हाँ ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गए अपने पास, स्मॉल i और i1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल i आ गई। यहाँ मुझे कैपिटल i लिखना चाहिए था यहाँ में, ठीक है अब ये आंसर सही है। चलो अब मुझे मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना तो e बाय r था ना, e बाय i था, तो उसके लिए मुझे e और i की इक्वेशन भी तो चाहिए, वो कैसे बनाऊं? e और i के बीच में तो इक्वेशन चाहिए, वो कैसे बनाऊं? बोलो सर, एक और लूप ले लेंगे ए एन बी और ई। कौन सा सर? ए एन बी और ये सेल जो लगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ए से चलो एन, एन से चलो बी और बी से सेल से होते हुए ए आ जाते, ऐसा लूप ले ले। यस सर। तो आ जाएगा ना सेल, बिल्कुल सही। तो बोलते बोल दो यार इक्वेशन क्या लिखो जल्दी से बताओ। सर माइनस टू माइनस कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, माइनस वन इनटू कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई माइनस आई वन। हाँ फिर सर प्लस ई, प्लस ई इक्वल टू जीरो, ठीक है ये इक्वेशन आ जाएगी। तो एक काम करें, ये दोनों माइनस माइनस वाले टर्म को उधर ले आए तो उधर प्लस प्लस के हो जाएंगे और ई बच जाएगा एक तरफ, चलेगा? यस सर। यस सर। ये स्मॉल आई और ये आई वन की वैल्यू तो तुम्हें पता है ना, कैपिटल आई के टर्म में लिख दो, टू टाइम कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, स्मॉल आई ये रहा, क्या बचेगा? ये बचेगा सब्ट्रैक्ट करके,
कितना बचेगा 8 plus 5 13 और इनका सम हो जाएगा यहाँ पे इनटू आई आ जाएगा इज इक्वल टू ई. अरे आई को उधर भेज दूं डिनोमिनेटर में चलेगा ना, तो ई बाय आई यही तो आर इक्विवेलेंट था. रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी वो था ई बाय आई. कितना आ गया सम करो इसे ऊपर आ जाएगा 29/19. क्या क्या आंसर बताइए आया समझ में. रेजिस्टेंस पूछा था एबी के बीच में तो सॉल्व करके आ गया एबी के बीच का रेजिस्टेंस. चलो मेथड समझ में आई, मेथड समझ में आई आपको कि कैसे मैंने किरचॉफ लॉ का यूज करा है और दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है. मुझे ए और बी का बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए उनके बीच में कुछ सेल लगा लो. मान लो सेल कुछ करंट दे रहा है तो सेल का ईएमएफ और करंट का रेशियो यही होना चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब इस जो सेल ने करंट दिया उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो सब तरफ. डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जितने तुमने एक्स्ट्रा वेरिएबल माने हैं उन सबकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करो. ये बनाई फिर सॉल्व करके वो एक्स्ट्रा वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ कैपिटलाइज. फिर इक्वेशन बनाओ जिसमें कैपिटलाइज और ई बी आर ऑफ उसकी इक्वेशन बनाई. फिर उसमें मैंने वो वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर दी और ई बाय आई का रेशियो निकालने की कोशिश करी वही हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो ऐसे सॉल्व करें करते हैं अपन. आया क्या पूरा समझ में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे निकालते. आर्यन को तो आ गया वेरी गुड. बाकी सब बच्चे यस वेरी गुड. तो ये भी एक तरीका होता है. देखिए अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो सॉल्व कराया अपन ने तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करने का ये भी एक तरीका है. थोड़ा सा लंबा तरीका है पर इससे किरचॉफ लॉ की प्रैक्टिस होगी आपकी. तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी क्वेश्चन आए तो स्टार डेल्टा से भी करो और इससे भी करके चेक करो प्रैक्टिस के लिए. ठीक है तो आपको खूब प्रैक्टिस करना चाहिए तो ये करना चाहिए आपको. चलिए तो मैंने किरचॉफ लॉ का यूज यहाँ पे भी बता दिया. अब किरचॉफ लॉ से तो हम सर्किट सॉल्व कर ही सकते हैं. इसके अलावा कुछ और भी टेक्निक्स होती है, कुछ और भी स्पेशल केसेस में अपन कुछ चीजें यूज कर सकते हैं तो वो चीजें सीखते हैं अपन. तो नेक्स्ट एक टेक्निक लिखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. नेक्स्ट लिखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. मैं हटा रहा हूं ये सब और लिखिए नेक्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना. जब आपको किसी एक रेजिस्टेंस में करंट पूछा हो तो बहुत काम का हो सकता है कुछ स्पेशल केसेस में. कुछ केसेस में अपन को बहुत काम दे सकता है, जल्दी से अपन को आंसर दे सकता है. पहले कॉन्सेप्ट समझ से क्या होता है. देखिए सपोज हमारे पास एक सर्किट है जो ड्रॉ कर रहा हूं मैं. देखिए एक इस तरह का सर्किट है ठीक है. यहां पर मैंने आपको कुछ रेजिस्टेंसेस दिखाए, सेल दिखाए हैं, दो लूप दिख रहे हैं बेसिकली सर्किट के अंदर है ना. तो रेजिस्टेंसेस मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R था, ये था R1, ये था R2. बैटरीज का ईएमएफ मान लीजिए ये E1 था और ये E2 था ठीक है. और मैंने आपसे पूछ लिया कि इस R में कितना करंट है. मैंने पूछ लिया उस R में कितना करंट है. किसी भी एक रेजिस्टेंस में मैंने पूछ लिया करंट कितना है, किसी भी एक रेजिस्टेंस में करंट कितना है मैंने पूछ लिया आपसे. तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए दो ही सेल है. जब सेल्स का नंबर कम होता है 2 या 3 बस इतना ही होता है, इस तरह के केसेस में थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिल सकता है बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिल सकता है ठीक है. तो अब देखते हैं अपन क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. हम पढ़ रहे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब आपके पास सर्किट में इस तरह का सर्किट हो कि दो या दो से ज्यादा सेल्स हो तो आप सर्किट को जितने सेल है उतने सर्किट में तोड़ सकते हो.
यू कैन डिवाइड दिस सर्किट इनटू टू सर्किट बिकॉज यहाँ पे दो सेल, तो दो सर्किट बना लो। एक सर्किट में एक बार में एक ही सेल दिखाओ, और जैसे मैं बना के दिखा रहा हूं यहाँ पे देखिए, मैं अब दो सर्किट बनाने वाला हूँ। यहाँ पे सेल E2 जो था ना उसको देखो मैंने दिखाया नहीं, और उसके बदले एक वायर लगा दिया, सेल E2 के बदले जस्ट एक वायर लगा दिया। तो मैंने सर्किट देखिए एज इट इज ड्रॉ करा है, यहाँ रेजिस्टेंसेस सारे वही बना रहा हूँ जो पहले थे, बैटरी दिखाई, मैंने एक सेल दिखाया ईवन और दूसरे को मैंने वायर बना दिया। तो ऐसा सर्किट बना लो। प्लस प्लस जब पहले आप जिसको दिखा दिया था उसको मत दिखाओ, और दूसरा सेल, दूसरा सेल दिखा दो, ये सेल दिखा दो V2, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो मैंने दो सर्किट बनाए, ये दोनों दिख रहे हैं आपको कैसे बनाए मैंने, क्या फर्क है इस दो सर्किट में और जो मेन सर्किट था उसमें? दूसरे सेल की जगह वायर लगा दिया। अब मैंने इस सेल को वायर बना दिया, दूसरे को सेल दिखा दिया। तो इस तरह से क्या हो सकता है, मैं एक सर्किट को कई छोटे छोटे सर्किट में तोड़ सकता हूँ। इससे फायदा क्या होता है, सिंगल सेल जहां होता है ऐसे क्वेश्चन में आपको सीरीज पैरेलल दिख जाता है, जैसे R और R2 ये आपस में पैरेलल में दिख रहे हैं, और उसके साथ फिर ये R1 सीरीज में। तो इसमें करंट पूछा था क्वेश्चन में हमसे, हमसे पूछा था करंट इन R बताइए, हमें पूछा है, जैसे यहां लिख देता हूं मैं करंट इन R, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो वो निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा अगर सर्किट ऐसा होगा, इसमें सीरीज पैरेलल से हो जाएगा और वैसे इसमें भी सीरीज पैरेलल से हो जाएगा। तो इन दोनों में जो R में करंट है वो फाइंड कर लो ना, इस E1 की वजह से R में जो करंट मान लीजिए यहाँ पर आ रहा था I1, और इस E2 की वजह से मान लीजिए इसके अंदर करंट ऊपर जा रहा है, अफकोर्स बैटरी का टर्मिनल इधर है, और मान लेते हैं I2 करंट जा रहा है। तो इन इंडिविजुअल सर्किट में जो करंट से उनको डायरेक्शन वाइज ऐड कर दो तो मेन सर्किट का करंट आ जाएगा। भाई यहाँ करंट I1 नीचे था, मैं मान लेता हूँ नीचे वाला करंट पॉजिटिव है, वहां करंट ऊपर था उसे माइनस में ले लेते हैं, तो इस सर्किट में यहाँ जो करंट होना चाहिए वो I1 माइनस I2 होना चाहिए। This is superposition principle. Based on superposition principle, मैंने बोल दिया कि यहाँ करंट अगर I1 है, यहाँ अगर I2 है, तो इनका एडिशन करके यहाँ करंट इतना मिलेगा। और एडिशन करने पे जो करंट उल्टा था उसको मैंने माइनस में ले लिया, जो करंट सीधा था उसे प्लस में लिया। This is superposition principle. ये दोनों करंट का सम यहाँ करंट होगा, इन दो सर्किट में जो करंट है उनसे मिलकर मैं यहाँ का करंट लिख सकता हूँ। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का? Yes, sir. Very good. So, हम ये करंट निकाल सकते हैं। चलिए अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर समझ में आया है तो ये जो सर्किट था, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये इससे इतना खास आसान नहीं होने वाला है ना सुपरपोजिशन से, क्योंकि ये भी सॉल्व ही करना पड़ेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं इससे, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ एक सर्किट बना रहा हूँ, देखिए ये मैंने एक सर्किट बनाया, देख सकते हो मैंने कैसा सर्किट बनाया है ना, इस तरह से सर्किट बनाया। ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दे देता हूं, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज वन, दिस इज टू ओम, एंड सेल दिस इज ऑफ 5 वोल्ट, दिस इज ऑफ 6 ओम। यू कैन ऑब्जर्व सर्किट क्या दिया है मैंने, है ना, आपको दिख रहा होगा सर्किट क्या दिया है मैंने। अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे एक एमिटर लगा देता हूँ, ये 1 ओम के साथ यहाँ एक एमिटर लगा देता हूँ। मैंने पूछ लिया रीडिंग ऑफ एमिटर बताओ, रीडिंग ऑफ एमिटर, तो ट्राई करिए बताइए जल्दी से रीडिंग ऑफ एमिटर, आप एक बार कोशिश कर लीजिए। मैं तो सुपरपोजिशन से करूंगा, आपको जैसा लग रहा है वैसा कोशिश कर लीजिए, जैसा आपको लग रहा है ट्राई करिए इसको एक बार। अमेटर का रीडिंग बताइए,
अगर आप इसे किरचॉफ लॉ से करेंगे तो जितने लूप इतनी इक्वेशन तो बनती है, ये एक लूप, ये एक लूप और ये बड़ा वाला एक लूप, इसमें तीन छोटे छोटे लूप है, इनसे बनकर पूरा सर्किट दिखता है, तो तीन इक्वेशन तो बनेगी, तीन वेरिएबल तो बनाने पड़ेंगे आपको अगर किरचॉफ लॉ से करेंगे तो, तीन इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगी, है ना। बाकी आप और ट्राई कर लीजिए। कर रहे हो ना, क्वेश्चन आ रहा है? रिप्लाई आया चलिए मैं भी ट्राई करता हूं, आप लोग अपना ट्राई करिए। देखिए मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, तो मैंने इस सर्किट को दो सर्किट में तोड़ दिया। ऊपर जो मैंने सर्किट बनाया है उसमें बीच वाला 5 वोल्ट नहीं दिखाया मैंने, और जो नीचे सर्किट बनाया है उसमें यहाँ वाला 6 वोल्ट नहीं दिखाया। एक बार में एक ही मैंने रेजिस्टेंस दिखाया, एक ही बैटरी दिखाई है। अब ऊपर वाले सर्किट में स्ट्रेट अवे मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज रेजिस्टेंस मुझे दिख रहे हैं ये 1 और 1 और ये 2 और 2। अच्छा ये मैंने सॉरी मैंने गलती से 1 ओम कर दिया बच्चों, सॉरी ये 2 ओम होना चाहिए था, आपने मुझे बोला भी नहीं यार। सर इसीलिए हमारा सॉल्व नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वेट नहीं बैलेंस हो रहा था। अब वो ठीक है सॉरी, वो मेरे से गलती से 2 ओम दे। चलो अब हो जाएगा, है ना, अब हो जाएगा, अब कर पा रहे हो क्या? देखो यस सर हाँ कर लीजिए यार एक बार। गलती हो गई मेरे से लिखने में यार। तो अब तो स्ट्रेट अवे देखो, ये ऊपर वाले सर्किट में दिख रहा है ना कि यहाँ करंट 0 आएगा, स्ट्रेट अवे दिख रहा है कि यहाँ करंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज है, तो इसमें करंट ही नहीं आएगा, तो बचा केवल ये सर्किट, इसमें ही करंट आएगा। फिर देखो मैंने लिखने में इसको
यहाँ टू और यहाँ टू था, ठीक है। अब इसमें भी ये रेजिस्टेंस साफ साफ हट जाएगा क्योंकि ये भी विटसन ब्रिज दिख रहा है, ये देखो 102 और 102 और ये तो ये बीच का हट जाएगा, ये विटसन ब्रिज है देखो, ये रेजिस्टर हटाओ और फिर इसमें करंट निकाल लो, हो जाएगा क्वेश्चन ये। सर सेकंड वाला फिगर आप बता दीजिए एक बार। सेकंड वाला है तो घुमा के देख लो, देखो एक ये रोम्बस जैसा बना, एक डायगोनल पे बैटरी दूसरे डायगोनल पे रेजिस्टेंस, रोम्बस जैसा एक डायगोनल पे रेजिस्टेंस एक डायगोनल पे बैटरी, वैसे ही तो है यहाँ पर भी। सर सेकंड वाला व्हीटस्टोन आप मतलब लास्ट वाले जो नीचे रेजिस्टेंस है उससे कैसे देख रहे हैं सर, वो बता दीजिए। आप देखो ये क्या है, एक रोम्बस जैसा शेप दिख रहा है। यस सर। इसमें रेशो बराबर है। यस सर। एक डायगोनल पे बैटरी है। यस सर। और एक डायगोनल पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। यस सर। इसमें करंट क्या जाएगा? जीरो सर। जीरो। यहाँ पर भी तो वही था, एक ये रोम्बस जैसा है, एक डायगोनल पे बैटरी है, एक डायगोनल पे रेजिस्टेंस है, तो बीच वाला रेजिस्टेंस जीरो बोल दे करंट, जैसे यहाँ भी बोल दोगे, ठीक है। इसमें करंट जीरो, उसके बाद सॉल्व कर लो बचे हुए को। चलो तो वो थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई देने में, बाकी क्वेश्चन फिर तो अब तो आसान है, हो जाएगा। यस सर। तो ये एक एग्जांपल था जिसमें सुपरपोजिशन से चीजें जल्दी हो सकती है, है ना, एक एग्जांपल था ऐसा। अब हमें कई ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जो सुपरपोजिशन से जल्दी होंगे, लेकिन नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखे मैंने, तो आपको एकदम से याद नहीं आता फिर, है ना, जब अपन बहुत कम कोई चीज यूज कर रहे होते फिर अचानक कभी यूज करना पड़े तो आप एकदम से भूल जाते। तो याद रखिए जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाए तो आपको सब चीज साम दाम दंड भेद सब चीज सोचना है, सारी चीजें आपने जो लगाई आपने सीखी है वो सब सोचना है, ठीक है। चलिए तो ये अपन ने सीखा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, तो अब अगली मेथड सर्किट सॉल्विंग की देखते हैं। ये सुपरपोजिशन तो थोड़ा कम ही यूज होता है, लेकिन अब अगली मेथड देखते हैं जो बहुत यूज होती है, बहुत काम की है। तो लिखिए नोडल एनालिसिस या नोडल मेथड। सर इसको सर हाँ बोलिए, इसको स्टार मेथड से नहीं कर पाएंगे? स्टार मेथड से क्यों नहीं कर सकते हो, तो आपकी जैसी इच्छा है हर मेथड से कर सकते हो। फिर सर ये अमीटर कहाँ पे लगाएंगे? अमीटर हाँ वो स्टार मेथड से करके फिर वापस जिस रेजिस्टेंस में करंट चाहिए था उसमें निकालना पड़ता है, फिर से रिवर्स ये समस्या होती है। हाँ ये समस्या होती है, उसमें उल्टा आना पड़ता है वापस से फिर। यस चलिए अब नोडल एनालिसिस पढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये हटाने वाला हूँ सब, मैं हटा दूँ, ठीक है हटा रहा हूँ मैं। अब नोडल एनालिसिस पढ़ते, नोडल एनालिसिस जो मेथड है वो क्या करती है, सर्किट में जो पॉइंट है ना जहां जहां पे वायर जुड़ रहे मिलकर उनको देखती है। जैसे इसी सर्किट को दिखाता हूं, देखिए यहां पर एक ही पॉइंट दिख रहा है जहां पे तीन तीन ब्रांचेस आके जुड़ रही है, एक ये पॉइंट दिख रहा है जहां तीन तीन ब्रांचेस आके जुड़ रही है, एक ये पॉइंट दिख रहा है जहां तीन ब्रांचेस जुड़ रही है, और एक ये पॉइंट दिख रहा है जहां तीन ब्रांचेस जुड़ रही है। तो नोडल एनालिसिस इन पॉइंट्स को ढूंढती है सर्किट में, सर्किट में ऐसे पॉइंट ढूंढती है जहां तीन या ज्यादा एलिमेंट जुड़े। तो ये देखिए इस पॉइंट पे एक तो ये रजिस्टर, एक ये रजिस्टर, और इधर ये सेल का पोर्टिंग टर्मिनल, तो तीन पॉइंट्स जुड़े हुए, तीन चीजें जुड़ी हुई है। तो ऐसे पॉइंट ढूंढती है सर्किट में जहां पे तीन या ज्यादा चीजें जुड़ी, इन पॉइंट को कहा जाता है नोड। क्या कहा जाता है इन्हें? नोड। इन सारे पॉइंट को अपन कहते हैं नोड, ठीक है। अब सर्किट में जितने भी नोड होते हैं ना, नोड के बीच में अगर देखे अपन किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में देखे तो हमें एक जो चीज दिखती है उसे बोलते हैं ब्रांच। इस नोड से लेके इस नोड के बीच में ये एक ब्रांच है जिसमें दो ओम का रेजिस्टर, इस नोड से लेके इस नोड के बीच में ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच में एक सेल है और एक रजिस्टर है, एक एमिटर है, यहां पर एक ब्रांच है दो ओम का रेजिस्टेंस है, यहां एक ब्रांच है एक ओम का रजिस्टर है, इन दोनों नोड के बीच में देखो ये एक ब्रांच है। तो हर दो नोड के बीच में जो जो चीजें कनेक्टेड है, जो चीज आपस में सीरीज में है, आप देखिए इस नोड के बीच में सब सीरीज में तो है, हर दो नोड के बीच में जो भी चीजें वो हमें सीरीज में दिखेगी। तो ये जो सीरीज में कनेक्टेड चीजें है इन्हें कहा जाएगा ये ब्रांच में कनेक्टेड है। अरे बात समझ में, व्हाट इज अ ब्रांच? यस सर। ठीक है, तो हमको सर्किट में आइडेंटिफाई करना होता है नोड क्या क्या है,
देन ब्रांच क्या क्या है। अब हर ब्रांच में करंट कितना है, अगर हम नोड्स के पोटेंशियल को जान ले, नोड्स का पोटेंशियल हमें पता है तो करंट लिख सकते हैं। अगर हमें नोड्स का पोटेंशियल पता है तो हम करंट लिख सकते हैं। कैसे, देखो मान लीजिए एक नोड था यहाँ पे, सपोज दिस इज नोड ए, ऐसे एग्जांपल के लिए नाम दे दिया मैंने नोड ए, और सपोज इससे ना कुछ चीजें जुड़ी हुई थी, जैसे एक रजिस्टर जुड़ा है, फिर एक सेल जुड़ा है, फिर चलो एक और रजिस्टर जुड़ा है, फिर एक और सेल जुड़ा है, फिर एक और रजिस्टर जुड़ा है, और ये अपना दूसरा नोड आ गया नोड बी। आपको एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया कि पोटेंशियल पता है नोड का, आपको पता है नोड ए का पोटेंशियल क्या है, वो है वी ए। नोड बी का पोटेंशियल क्या आपको पता है, वो है वी बी। तो अगर नोड्स के पोटेंशियल पता है तो इस ब्रांच में करंट कितना बता सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ऑफ कोर्स सारे ईएमएफ पता होने चाहिए और सारे रेजिस्टेंस पता होने चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता है, तो जो भी पोटेंशियल हायर है ए या बी का, किसी एक को भी हायर मान के दूसरी तरफ करंट जा रहा है ऐसा मान लो। तो मैंने मान लिया कि करंट जा रहा है ऐसे, ये करंट मैंने मान लिया कि आई जा रहा था, और मुझे करंट कितना वो निकालना है, मुझे करंट कितना वो निकालना है। तो देखो मैं इसकी इक्वेशन बनाने वाला हूँ, अभी तक की चीजें समझ में आई, पहले तो क्या नोड क्या होता है समझ में आया? यस सर। ब्रांच? यस सर। ठीक है, नोड क्या होता है सर्किट में, जहां जहां पर भी तीन या ज्यादा चीजें जुड़ी है वो नोड है। जैसे ये पॉइंट देखो, एमिटर दो रजिस्टर इस पॉइंट पे जुड़े, ये एक नोड है, ये एक नोड है। तो नोड पे तीन या ज्यादा चीजें जुड़ी है, कोई दो चीजें आपस में जुड़ी है तो वो नोड नहीं होता। जैसे ये पॉइंट कोई नोड नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें बैटरी और रजिस्टर दो ही चीज जुड़ी है, तीसरी कोई यहाँ पे एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो दिस इज नॉट अ नोड। तो नोड ऐसे पॉइंट होते हैं सर्किट में, तीन या ज्यादा एलिमेंट दिख रहे जुड़ते हुए। नोड ढूंढ लो कितने, सर्किट जो भी दिया आपको उसमें नोड ढूंढ लो कितने। हर दो नोड के बीच में हमें दिखती है एक ब्रांच, हर दो नोड के बीच में हमें दिख सकती है एक ब्रांच, दिख सकती है, जरूरी नहीं कि हो, दिख सकती है एक ब्रांच। जैसे यहां से एक ब्रांच जुड़ी हुई, ब्रांच में नॉर्मली क्या क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, बैटरी होती है, कैपेसिटर पढ़ोगे तो वहां कैपेसिटर भी हो सकता है। तो ब्रांचेस में रजिस्टर, बैटरी, कैपेसिटर, ये सब चीजें हो सकती है। किसी ब्रांच में कितना करंट है वो अगर हमें निकालना है, अगर हमें ब्रांच नोड्स की पोटेंशियल पता है तो मैं करंट निकाल सकता हूँ। अगर मुझे नोड की पोटेंशियल पता है तो करंट निकाल सकता हूँ, कैसे वो मैं बताने वाला था। तो मैं किरचॉफ्स लॉ लगा देता हूँ यहाँ पे। देखिए अगर मैं वी ए बी लिखूं, इसका मतलब होता है वी ए माइनस वी बी, इसका मतलब होता है बी टू ए जाना, इसका मतलब होता है बी टू ए जाना। बी ए माइनस वी बी का मतलब होता है बी से ए जा रहे अपन, ये बात समझ में। बी ए माइनस वी बी का मतलब होता है बी से ए जा रहे। तो चलो बी से ए चलते, चलो बी से ए चलते हो, किरचॉफ लॉ की इक्वेशन लिखते हैं। बी से ए अगर गए अपन, बी से ए गए तो मैं देखो करंट के उल्टा जा रहा हूं, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे किरचॉफ लॉ से क्या लिखूंगा, ये रेजिस्टेंस आर थ्री मान लीजिए, आर थ्री आई आर थ्री प्लस में आएगा, फिर माइनस ई टू फिर प्लस आई आर टू, फिर प्लस ई वन, फिर प्लस आई आर वन। तो वी ए माइनस वी बी के वैल्यू ये मिल गए मुझको, देखो ठीक है, मुझे मेरा इंटरेस्ट है आई निकालने में, तो आई निकालने की कोशिश करता हूँ, ये ई वाले टर्म को उठा के इधर लेके आ जाता हूँ, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इधर लिखा हुआ था वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी और प्लस ई टू माइनस ई वन, ऐसा मिलेगा। तो आई की वैल्यू आ गई, देखो आई की वैल्यू आ गई, आया क्या समझ में, कैसे मैंने इस ब्रांच का करंट लिख दिया है। यस सर। चलो तो हमने दो नोड्स के बीच में देखा, हमें कोई ब्रांच दिख रही थी, उस ब्रांच में कुछ बैटरीज है, रेजिस्टेंसेस है, तो उस ब्रांच का करंट लिखा मैंने, वो करंट का एक्सप्रेशन ये आया। अब जो एक्सप्रेशन आया वो जरा ध्यान से देखो, VA माइनस VB क्या है,
बी ए माइनस बी बी क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी है ना, और करंट किधर जा रहा है? पोटेंशियल ए टू पोटेंशियल ए से बी जा रहा है, तो ए पर हाई और बी पे लोअर होना चाहिए, करंट हाई टू लो जाता है ना? यस सर। तो ये इसको ऐसा याद रख सकते हो, स्टार्टिंग करंट जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां का पोटेंशियल, माइनस जहां एंड हो रहा है वहां का पोटेंशियल। देखो करंट यहाँ एंड हो रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल बाद में, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल पहले, है ना? तो करंट को आप ऐसा याद रख सकते हो, करंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल, पोटेंशियल एट स्टार्टिंग नोड, पोटेंशियल एट स्टार्ट नोड जहां से करंट शुरू हो रहा है वहां का पोटेंशियल, माइनस वीबी मतलब पोटेंशियल जहां करंट जहां खत्म हो रहा है वहां का पोटेंशियल, पोटेंशियल एट एंड नोड। बोलो बी ए माइनस बी बी का मतलब समझ में आया क्या है? है ना, करंट किधर जा रहा है? तो जहां से करंट स्टार्ट हो रहा है वहां का पोटेंशियल, जहां करंट एंड हो रहा है वहां का पोटेंशियल। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में ई टू, देखो करंट को करंट की डायरेक्शन में सेल है, ई टू की वजह से भी करंट इधर ही आना चाहिए था, है ना? आप देखिए E2 जो सेल है वो करंट को सपोर्ट कर रहा है, यस सर, और E1 सेल करंट से उल्टा है, यस सर। तो यहाँ पे E2 माइनस E1 आया, E2 प्लस में आया, E1 माइनस में आया, E1 करंट से उल्टा था तो नेगेटिव आया, E2 करंट के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आया है। तो इधर क्या लिखा हुआ है? ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस, प्लस प्लस इधर क्या लिखा है, ब्रांच में ईएमएफ कितना है, पर जो करंट की डायरेक्शन ई में तो प्लस में है, जो करंट के उल्टा है वो माइनस में। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये है नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ है ये, नेट सारे ईएमएफ का एडिशन है, नेट किस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है और बाकी को नेगेटिव लेना है। तो ई टू माइनस ई वन ये क्या लिखा था, नेट ईएमएफ इन डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और इस पूरी चीज को किससे डिवाइड करा है अपन ने, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच, ब्रांच में जो भी रेजिस्टेंस है, तो दिस इज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन ब्रांच, टोटल रेजिस्टेंस इन ब्रांच। तो इस तरह से किसी भी ब्रांच के करंट में लिख सकता हूं। तो करंट इन अ ब्रांच, ये निकालने के लिए ब्रांच के स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल मतलब स्टार्टिंग नोड का पोटेंशियल माइनस एंड वाले नोड का पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन में नेट ईएमएफ कितना आ रहा है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन ब्रांच। By this expression, I can get the current in the branch. किसी भी ब्रांच का करंट निकालने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देख लीजिए अच्छे से। ये आपको याद रखना है बच्चों, इसको 5, 7, 10, 20 बार बोलना है ना, जाप करना है इसका, तो याद होगा ये। ठीक है, जैसे भगवान का जाप करने से भगवान कृपा करते हैं, वैसे फिजिक्स के फॉर्मूले का जाप करने से फिजिक्स कृपा करता है। तो जाप करना अच्छे से इसका, क्लियर? क्या आती ब्रांच करंट की इक्वेशन, बोलो कैसे निकालते हैं ब्रांच करंट, स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल माइनस एंड पॉइंट का पोटेंशियल प्लस नेट ईएमएफ इन ब्रांच डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन ब्रांच, स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल माइनस एंड पॉइंट का पोटेंशियल प्लस नेट ईएमएफ इन ब्रांच डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन ब्रांच। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हां यस सर। तो ये सब याद होना चाहिए, जाप करना खूब इसका। चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमने ये सीखा कि किसी भी सर्किट में बेसिकली बहुत सारे नोड्स और नोड्स के बीच में ब्रांचेस होती है। यहाँ पे मुझे दिख रहे थे 4 नोड्स और नोड्स के बीच में ब्रांचेस थी। हर ब्रांच में जो करंट होगा, अगर मुझे नोड्स के पोटेंशियल पता हो तो मैं करंट लिख सकता हूँ। ये सीखा मैंने, हर ब्रांच में अगर मुझे करंट लिखना है, मुझे नोड्स के पोटेंशियल पता है तो मैं करंट लिख सकता हूँ। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, देखिए किरचॉफ करंट लॉ से, किरचॉफ करंट लॉ से किसी भी नोड पर जितना करंट जा रहा होगा उतने आना चाहिए, जितना करंट जा रहा होगा उतने आना चाहिए भाई, किरचॉफ करंट लॉ, am I right? किरचॉफ करंट लॉ ये होता है ना, yes, नेट आने वाला करंट इक्वल टू नेट जाने वाला करंट। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे यहां से करंट आ रहा है और यहां जा रहा है, ये तुम्हारी इच्छा कैसे भी मान लो, और फिर आप इससे इक्वेशन बना सकते हो। आप यहां से यहां करंट आ रहा है ऐसा मान लो, इधर जा रहा है ऐसा मान लो, तो आप इक्वेशन बना सकते हो, आप इक्वेशन बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ करंट। अब इन करंट को कैसे लिखोगे, करंट लिखने के लिए आपको ईएमएफ रेजिस्टेंस और पोटेंशियल चाहिए नोड के।
तो ये ईएमएफ तो सर्किट में दिया जाएगा नॉर्मली, रेजिस्टेंस भी सर्किट में दिया जाएगा। नोड के पोटेंशियल एज्यूम कर लो, सर्किट में जितने नोड है उनके पोटेंशियल एज्यूम कर लो। पोटेंशियल एज्यूम कर लोगे तो जितने नोड है उतनी इक्वेशन बन जाएगी, हर नोड की एक एक इक्वेशन बनाकर जितने नोड उतने इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो, आप फिर सर्किट को आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है, इक्वेशन बनेगी तो उसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको, है ना। इस सर्किट को हटा रहा हूं मैं, ये सब नोट हो गया है तो हटा दूं। चलिए आई होप कि सर, हाँ जल्दी से नोट कर लो। ओके ये तो इधर का तो हो गया होगा। मुझे लगता है इधर का भी सब नोट हो गया होगा, तो ये भी हटा रहा हूं मैं, ठीक है। यस सर। ओके एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको अपन नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे, नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ये देखिए आपको मैंने इस तरह का एक सर्किट दिया है, इसको बोल देता हूँ पॉइंट ए, इसको बोल देता हूँ पॉइंट बी, और आप देख सकते हैं मैंने तीन रजिस्टर्स तीन सेल्स दे दिए हैं, और ईएमएम में दे देता हूँ, सेल का ईएमएम दे देता हूँ 5 वोल्ट, इसका 6 और इसका 1 वोल्ट। रजिस्टेंस दे देता हूँ दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, और इसका रजिस्टेंस दे देता हूँ, इसका भी 1 ओम दे देता हूँ, चलो ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। मैंने पूछ लिया क्वेश्चन में फाइंड डेल्टा वी ए बी, डेल्टा वी ए बी मतलब ए का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू बी, ये बताना है। एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, इसको अपन साथ में करेंगे बच्चों, ठीक है। आप बस क्वेश्चन नोट करो, ओके। आई होप कि सबने क्वेश्चन नोट कर लिया अब तक। तो अब अगर आप सर्किट को देखें तो सर्किट में बस दो ही नोड है, अगर आप देखें तो दो ही नोड है। एक तो मुझे पॉइंट ए दिख रहा है, एक नोड जहां से ये रजिस्टर, ये सेल और ये रजिस्टर जुड़ा है, और ये पॉइंट बी दिख रहा है, एक नोड। दो नोड और तीन ब्रांचेस है इस सर्किट में। अगर हम सॉल्व करें इसे, सॉल्यूशन देखें, तो सर्किट में दो नोड है, कौन कौन से, ए एंड बी, और तीन ब्रांचेस है, ठीक है। अब एक काम करिए, जितने नोड है ना उन सबके पोटेंशियल को अज्यूम कर लो। हमें पूछा है डेल्टा बी ए बी बताना है, तो बी और ए का पोटेंशियल कुछ मान लो, कुछ मान लो बी और ए का पोटेंशियल। अब पोटेंशियल जो होता है वो तो रेफरेंस लेके डिसाइड करा जाता है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है ये लिखने के लिए मुझे रेफरेंस पता होना चाहिए कि किसका पोटेंशियल जीरो है। आपको रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल लिखते आता है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखते आता है, पर किसी पॉइंट का डायरेक्ट पोटेंशियल लिखते नहीं आता जब तक दूसरे का नहीं पता हो। तो ये जो पॉइंट है, ये जो खासियत है कि एक के रेफरेंस में दूसरे का पोटेंशियल आप लिख सकते हैं, इससे हमारा काम आसान हो गया। हम क्या करेंगे, किसी एक का पोटेंशियल जीरो मान लेंगे, हमें पोटेंशियल अज्यूम ही करना है ना, तो किसी एक को रेफरेंस पोटेंशियल मान लो, ठीक है। तो जितने नोड है ना, जैसे दो नोड है तो किसी एक का जीरो मान लो और दूसरे का कुछ वेरिएबल मान लो। तो लेट पोटेंशियल ऑफ बी इज जीरो और पोटेंशियल ऑफ ए तो अपन ने वी मान लिया। मेरे पास दो नोड थे, मुझे दो पोटेंशियल मानना थे, तो एक को तो जीरो मान लिया मैंने और दूसरे को वी मान लिया। अब कोई बच्चा ये आर्ग्यू कर सकता है जीरो कैसे मान सकता हूं, जीरो में मान सकता हूं बिकॉज पोटेंशियल का रेफरेंस में वहां जीरो ले रहा हूं। पोटेंशियल एक्चुअली एक रिलेटिव टर्म होता है,
पोटेंशियल हमेशा एक रिलेटिव टर्म होता है, किसी को रेफरेंस लेकर हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं, तो मैंने रेफरेंस ही बी का पोटेंशियल ले लिया। समझ में आ रही क्या बात? ये मैंने बी पॉइंट के पोटेंशियल को रेफरेंस ले लिया, जो बी का पोटेंशियल है उसके रिस्पेक्ट में बाकी का पोटेंशियल लिख रहा हूं। बी का पोटेंशियल जीरो मान के ए का पोटेंशियल बी लिख दिया मैंने। समझ में आया क्या मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। चलो ठीक है, आई होप कि आपने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल वगैरह तो पढ़ लिया डेफिनेटली, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा रेफरेंस का मतलब क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बी का पोटेंशियल जीरो मान लिया और ए का बी मान लिया, तो इसे सर्किट में दिखा देता हूँ। मैं दिखा देता हूँ कि हाँ बी पोटेंशियल है, मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ जीरो पोटेंशियल है। अब किसी भी एक नोड पे देख लो, किसी भी एक नोड पे देख लो, जैसे ए पर देख लेते हैं। ए पर मुझे दिख रही थी तीन ब्रांचेस, मान लेते तीनों से करंट जा रहा है। भाई मानने में क्या जा रहा है ना, तीनों से करंट बाहर की तरफ जा रहा है ऐसा मैंने मान लिया। मैंने मान लिया कि तीनों ब्रांच में करंट बाहर जा रहा है। ठीक है, ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ, दिखाने की कोई जरूरत होती नहीं है, मैंने दिखा दिया तीनों से करंट बाहर जा रहा है। अब किरचॉफ करंट लॉ से क्या बोलूंगा मैं, बाय केसीएल मैं क्या बोलूंगा, नेट आने वाला करंट इक्वल टू नेट जाने वाला करंट, ऐसा बोलते हैं ना? यस सर। तो क्या बोलूंगा मैं पॉइंट ए पे, क्या बोलूंगा? नेट आने वाला करंट कितना है ए पे, कितना करंट आ रहा है बोलो? जीरो। जीरो, बिल्कुल सही। और जाने वाला कितना है? यहां का करंट, यहां का करंट और यहां का करंट, तीन करंट जा रहे, सही है। क्या ये तीनों करंट लिख सकते हैं अपन? हाँ लिख सकते हो आप, अभी आपको इक्वेशन पढ़ाई है मैंने। कैसे लिखते हैं ब्रांच करंट, कैसे लिखते हैं? ये वाली ब्रांच का करंट लिखना है, बताओ कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मूला बोला था? स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल माइनस एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग का पोटेंशियल क्या है यहाँ? V सर। V। एंड का क्या है? जीरो। जीरो। करंट की डायरेक्शन ऐसी मानी, करंट की डायरेक्शन में कोई बैटरी आ रही है क्या? प्लस। नो सर। यस सर। दे प्लस 5 आ रहा है। प्लस। ठीक है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। यस सर। 1 ओम। कितना है 1? ये पहली ब्रांच का करंट हो गया। आया? पहली ब्रांच का करंट आया नहीं आया? आ गया। चलो वेरी गुड। ओके, अब दूसरी ब्रांच, ये बीच वाली ब्रांच का करंट बोलो। बोलो कोई भी। सो बी माइनस जीरो। बी स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल, एंड का जीरो, फिर करंट की डायरेक्शन में कोई बैटरी है क्या? यस सर। माइनस बी। अरे प्लस 6 आएगा। प्लस 6 सर। प्लस 6 डिवाइड बाय 2 सर। चलो आखिरी ब्रांच बताओ। वी माइनस जीरो। माइनस वन। माइनस वन, माइनस वन क्यों कर रहा हूं मैं? अपोजिट है ना सर उसके, करंट के उल्टे है इसलिए अपोजिट। डिवाइड बाय वन। वन। कितनी इक्वेशन बनी? वन सर। कितने वेरिएबल है इसमें? वन सर। तो कॉल कर सकते हो? Yes, sir. एक इक्वेशन, एक ही वेरिएबल सॉल्व करिए, v अकेला अननोन है वो निकल जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अब vab का क्या बोलोगे? आपसे पूछा है vb सर, क्या हो जाएगा वो? v माइनस जीरो। v तो जो आएगा वो आंसर। yes, ये पूछा है, ये आ गया आंसर। चलो तो नोडल समझ में आया। अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना होता ना किरचॉफ लॉ से, अगर निकालते अपन वो जो करंट मान के करते वैसे करते, तो मुझे एक तो दिख रहे दो लूप ऊपर और नीचे, तो दो लूप की दो इक्वेशन बनानी पड़ती मुझे कम से कम, यार दो इक्वेशन तो बनती। तो अगर मैं किरचॉफ लॉ से करता इसे भाई करंट को मान के करता क्वेश्चन, तो मुझे कम से कम दो इक्वेशन बनानी पड़ती, और यहाँ तो एक ही इक्वेशन में काम हो गया। ये फायदा होता है नोडल का, थोड़ी सी इक्वेशन कम बन सकती है। अगर सर्किट में नोड कम हो, ब्रांच ज्यादा हो, तो फिर इससे क्या होता है, नोडल एनालिसिस से इक्वेशन कम बनती है। समझे? चलो नोडल एनालिसिस समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, चलिए तो इसे नोट कर लीजिए, इसे आंसर निकाल लीजिए। अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस बताऊंगा मैं, इसके आसान केसेस तो अब सभी कर लोगे आप।
इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस जहां बच्चे जनरली फंस जाते हैं, तो ऐसे एक दो केस बताऊंगा, पहले ये नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। चलो बच्चे बोल रहे हैं नोटेड, वेरी गुड। अब किसी ब्रांच में करंट पूछ लिया किसी ने आपसे, आपसे बोल दिया कि 6 वोल्ट का सेल जो बीच में जुड़ा है इससे करंट भी बताओ, आप बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, प्लस ये भी बताओ कि 6 वोल्ट के सेल से करंट क्या है, तो वो कैसे बताओगे? नोडल एनालिसिस से सॉल्व करके अब करंट भी बताना है, तो कैसे बताओगे बताओ जरा। सर वी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो सेकंड ब्रांच का इक्वेशन लिख देंगे, उससे करंट आ जाएगा। बिल्कुल सही, सेकंड ब्रांच की करंट पूछ लिया क्वेश्चन में, तो सेकंड ब्रांच करंट निकालना तो आसान है, ये ऐसे लिख सकते हो आप ब्रांच करंट की इक्वेशन, ये लिखी थी ये सेकंड ब्रांच की करंट था, तो आप आसानी से बता सकते हो करंट, सही है ना। चलो yes, जब आप पोटेंशियल निकाल लो नोट के, तो फिर करंट लिखना भी आसान है। अब मैं अगला सर्किट दे रहा हूं और उसमें मैं आपको फंसा देता हूं। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखो थोड़ा सा आसान करता हूं, मेरे को चलो, ये सर्किट है, ये सर्किट है, सारे रजिस्टर 1 ओम, सारे बैटरीज 1 वोल्ट, हर बैटरी का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, सबको 1 1 1 बोल दो, और सारे रजिस्टर्स 1 ओम, तो देख लो क्या सर्किट दिख रहा है, अच्छे से सर्किट समझ में आ रहा है कि कैसे कनेक्टेड है। ये बीच में ये वायर ऐसा जंप करा है, जंप करा है मतलब ये 1 ओम और ये 1 वोल्ट का सेल ऐसा नहीं कि जुड़े हुए आपस में, ये एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है। चलो सर ए और बी कौन से टर्मिनल दिए हैं आपने? नहीं मैंने तो ए और बी लिखा ही नहीं अभी उसमें कुछ, ये तो पिछले क्वेश्चन का लिखा हुआ है, ये तो है ना, इसमें तो दिया नहीं टर्मिनल मैंने कुछ, तो इसमें करना है। हाँ करना क्या है बता रहा हूँ, चलो करना क्या ही बता रहा हूँ, करना ये है आपको कि बीच वाला जो 1 ओम है ना, इसमें करंट पूछ लिया मैंने, यहाँ पे एमीटर लगा देता हूँ, चलो तो एमीटर की रीडिंग बताना है, रीडिंग ऑफ एमीटर, वो करना आपको किरचॉफ लॉ से नहीं है, करना इसको नोडल से, तो नोडल से करिए, करिए ट्राई। नोडल से करिए ट्राई, नोडल से ट्राई करना है और बीच में करंट निकालना है, करिए एक बार कोशिश करिए।
चलो कुछ ट्राई करा, कितने नोट है सबसे पहले तो ये बताओ, नोट कितने है? 4 सर। बिल्कुल सही, 4 नोट है ना। तो कितने वेरिएबल बनेंगे यहाँ पे नोडल एनालिसिस से सॉल्व करने के लिए, कितने वेरिएबल बनेंगे? 2। 2 क्यों? 4 नोड है तो 2 क्यों? एक को 0 मान लेते हैं, चलो समझ में आया, एक को 0 मानते हैं तो फिर भी 3 तो बनेंगे ना सर। पहले 2 थे तो 1 बना था ना, 2 में 1 बनता है। हाँ तो 4 में 3 बनेगा ना, 1 कम। यस सर। नहीं सही बोला था वैसे आपने, 2 ही नोड के पोटेंशियल वेरिएबल आएंगे। बिल्कुल सही कहा था। पहले तो नोड कौन कौन से, देखो ये 4 नोड है कॉर्नर्स वाले, पोटेंशियल 2 के मानना पड़ेंगे, 2 1 का 0 मान के आपको 2 ही वेरिएबल लेना पड़ेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ का 0 पोटेंशियल है, मैं नोड का पोटेंशियल दूसरे कलर से लिख देता हूँ, रेड कलर से लिख देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ का 0 पोटेंशियल है, इस कोने का 0 मान लिया। अब इसका जैसे ही 0 माना मैंने, तो देखिए जरा यहाँ से कि वायर के थ्रू ये 1 वोल्ट आ रहा है, 1 वोल्ट के थ्रू ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल वेरिएबल नहीं है अब आपके पास। यहाँ आपको पता है 1 वोल्ट होना चाहिए, आपको यहाँ पता है 1 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि वहां 0 है तो यहाँ 1 होना ही चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ का वेरिएबल पोटेंशियल नहीं है, यहाँ का 1 वोल्ट है। यस सर। ठीक है, क्यों 1 वोल्ट बोल दिया डायरेक्टली? भैया एक सेल ही तो है, कुछ ब्रांच में रेजिस्टेंस थोड़ी है, तो एक सेल है वहां का 0 तो यहाँ का 1 वोल्ट ही होना चाहिए। सेल की प्रॉपर्टी होती है कि पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ सेल 1 वोल्ट है तो यहाँ 1 वोल्ट ही आना चाहिए। चलो तो ये हमको समझ में आ गया कि यहाँ का 1 वोल्ट है। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं कुछ x, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मान लेते हैं y। तो मैंने 2 वेरिएबल मान लिए x और y। ठीक है, 2 वेरिएबल मैंने मान लिए x और y। अब 2 वेरिएबल है तो कम से कम मुझे 2 इक्वेशन चाहिए सर्किट को सॉल्व करने के लिए, कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। कैसे करें आगे बताओ। कैसे करें? चलो इस 1 वोल्ट वाले नोड पे इक्वेशन लिखते हैं, 1 वोल्ट वाले नोड पे इक्वेशन लिखते हैं, एट नोड ऑफ वी 1 वोल्ट। क्या लिखो इक्वेशन बताइए? हाँ ठीक है, मुझे 1 वोल्ट वाले नोड पे इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखो इक्वेशन बताओ। v माइनस 0। हाँ v माइनस 0 अपॉन माइनस v। एक मिनट, 1 वोल्ट पे 3 ब्रांचेस है, पहले इसकी फिर इसकी फिर इसकी, ऐसा लिखते हैं। पहले इसकी बताओ, v माइनस x। बी थोड़ी है यहाँ का, वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स अपॉन प्लस वन, प्लस वन भी आएगा अपॉन वन, वन वन। ठीक है, फिर मान लेते हैं यहाँ से करंट कुछ जा रहा है, क्या इक्वेशन लिखूं? वन माइनस जीरो, कोई बैटरी है क्या उसमें? माइनस वन, यस माइनस वन अपॉन रेजिस्टेंस ही नहीं है, रेजिस्टेंस ही नहीं है तो जीरो लिखो क्या? ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा सर। हाँ यही तो फंसा रहा था मैं आपको क्वेश्चन में, जब किसी ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं होता है ना तो करंट लिखने में अपन फंस जाते हैं। x वाले पे बनाएंगे इक्वेशन। हाँ वो तो ठीक है, पर यहाँ बनाना हो तो क्या करेंगे? समझ में आ रहा है कि फंस रहे अपन यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर है ना अपन फंस रहे, हमको है ना इक्वेशन लिखते नहीं आ रही, तो इसके लिए क्या करेंगे? जब ऐसे फंसे ना अपन, तो मान लो वहां कुछ करंट है, मान लो कुछ करंट, कुछ करंट मान लो आई वाई, कुछ मान लो आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ जाएगा यहाँ पे। मान लेते कि वहां पे आई करंट है, तो फिर इस ब्रांच करंट को ऐसे मत लिखो, इसको आई लिख दो, समझे? ये समझ में आया? यस सर। ठीक है चलो, अब अगली ब्रांच, ये वाली ब्रांच में करंट क्या लिखूंगा बताओ? वन माइनस वाई, बैटरी तो है नहीं, अपॉन वन, अपॉन वन। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई। तो इसमें देखो अपन ने एक वेरिएबल और बढ़ा लिया आई का, कोई दिक्कत नहीं, वो वेरिएबल हट जाएगा। आप जैसे यहाँ पहुंच गए, यहाँ पर देखो जीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ से आई करंट आ रहा था ऐसा माना था आपने, क्या लिखूंगा आप? आई इक्वल टू जाने वाला करंट होना चाहिए ना,
एट नोड ऑफ जीरो वोल्ट क्या लिखूंगा, आई करंट आ रहा है इक्वल टू यहां से जो करंट जा रहा है और यहां से जो करंट जा रहा है उनका सम आई होना चाहिए ना, बताओ। जीरो नोड वाले पे देखो, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, है ना। यहां से कुछ करंट अगर आया इट शुड बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। अब आउटगोइंग करंट क्या लिखूंगा, वन से एक्स की तरफ कितना करंट जा रहा होगा, जीरो से एक्स की तरफ, तो जीरो माइनस एक्स बाय वन प्लस नीचे कितना करंट जाएगा, जीरो माइनस वन बाय वन, समझे। तो तुम्हें आई की वैल्यू मिल गई, देखो जो यहाँ पे वेरिएबल आई माना था ना उसकी वैल्यू मिल गई, देखो दिख रहा है। यस सर, तो ये उठा के यहाँ रख दोगे आई की जगह पे तो इक्वेशन मिल जाएगी। यस सर, ठीक है, तो चलो इससे इक्वेशन मिल जाएगी अपन को सॉल्व करने के। तो फिर उसके बाद इक्वेशन अब किसी एक और नोड पे भी बना लो इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लेना फिर, ठीक है। यस सर, तो जब किसी ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं हो तो क्या करना चाहिए, समझ में आया? यस सर, है ना, क्या करते हैं बताओ सर? कोई भी करंट एज्यूम कर लेते हैं उस ब्रांच में, कोई भी करंट एज्यूम कर लेते हैं, और फिर क्या होता है उस करंट की वैल्यू का क्या होता है, वो हमें कहीं और से मिल जाती है, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पर अपन ने आई करंट एज्यूम कर लिया तो यहाँ पर भी इक्वेशन बनाने में वो आई की इक्वेशन बन जाएगी, तो वो वेरिएबल की वैल्यू नॉर्मली अपन को पता चल जाती है हमेशा। तो इस सर्किट में आपको दो चीजें सीखी आपने, एक तो यहाँ जीरो मानने पर यहाँ डायरेक्ट वन बोल पा रहे थे क्योंकि कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं था, दूसरी चीज इस ब्रांच में करंट मान के लिखना चाहिए, जब डिनोमिनेटर में जीरो लिखना पड़े तो ऐसा मत करना, जीरो मत लिखना, वहां कुछ करंट मान लेना। चलो अब मेन क्वेश्चन जो सॉल्व करना था वो भी तो पूरा कर ले अपन, तो ये आई की वैल्यू चलो मैं यहाँ रख देता हूँ, देखते क्या इक्वेशन बन रही है। तो बाय दिस इक्वेशन जीरो इक्वल टू वन प्लस वन टू माइनस एक्स बाय वन, वन को नीचे लिखने की जरूरत नहीं, प्लस आई, और आई की वैल्यू ये थी, ये क्या थी, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन, देखो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन, ये आई की वैल्यू आ रही थी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, वन माइनस वाई। सॉल्व करते हैं, जीरो इक्वल टू टू माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस वाई, वहां पर भी माइनस वाई माइनस टू वाई, और यहाँ पे बचा प्लस वन, वहां पे भी प्लस वन, तो टू और ये टू फोर हो गया, तो इक्वेशन आ गया मेरे पास टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फोर, या फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, एक इक्वेशन यहाँ पे मेरे पास सही है क्या इक्वेशन? उधर जाने वाला करंट क्या होगा, एक्स माइनस जीरो बाय वन, बीच में जाने वाला करंट क्या होगा, एक्स माइनस वाई वन, यहाँ पे करंट क्या होगा, x माइनस वन, बैटरी उल्टी जुड़ी है, माइनस वन बाय वन इक्वल टू जीरो, ये आएगी इक्वेशन। अरेंज कर देते इसे, x प्लस x प्लस x थ्री एक्स माइनस वाई, वाई कहीं और है ही नहीं, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, उधर आके प्लस टू हो गया, सबके डिनोमिनेटर में वन था तो ये इक्वेशन हो गया। तो दूसरी इक्वेशन आ गया मेरे पास थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, जोड़ो फोर एक्स इक्वल टू फोर, तो x इक्वल टू वन, x की वैल्यू 1 डाल दो तो y भी 1 आएगा, x भी 1 y भी 1, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, तो इसमें करंट 0, आंसर 0 आया। क्वेश्चन? यस सर, ओके। तो इस क्वेश्चन में कुछ दूसरी चीजें भी सिखाई मैंने, बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व कराई था अपन ने, और ये भी सीखा कि जब किसी ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं होता तो उसमें करंट को क्या करना चाहिए, मान लेना चाहिए, और एक पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल है तो यहाँ पे डायरेक्ट पोटेंशियल भी दिख जाता है। चलिए तो ये अपने नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन देखे, अब आप सारे क्वेश्चन करने के लिए प्रिपेयर्ड हो, हर तरह का क्वेश्चन करने के लिए जो आपको मेथड आनी चाहिए वो आपको आ गई, तो अब आपका काम है कि जितने सर्किट सॉल्विंग के क्वेश्चन है, रेस टू रेस थ्री ये दो तीन रेस इसी पे बेस्ड है, तो आप इनको पूरा कर लीजिए, क्लियर? तो आज अपना शाम को डाउट सेशन भी है ना? यस सर, ओके।